दो दिन पहले मैंने डाली थी भटूरे की रेसिपी, तो मुझे बोला सर भटूरे तो डाल दिए हैं लेकिन आपके चने कहाँ गए। तो ये लीजिए आ गए आपके भटूरे वाले चने, पिंडी छोले। अब कैसे बनाते हैं पिंडी छोले? अब पिंडी छोले के लिए बेसिकली जो बाहर मार्केट में जो छोले मिलते हैं वो छोटे वाले ही यूज़ करते हैं। दो तीन रीज़न हैं इसके। एक तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और थोड़ा सा ये सॉफ्ट जल्दी रहता है, तो दो तीन रीज़नों की वजह से इसको यूज़ करते हैं। थोड़ा इसको दो तीन पानी से धो लीजिए और उसके बाद में इसको भिगोना है। आप सोच रहे होंगे भिगोने की प्रोसेस को इतना दिखाने की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ डाल रहे हैं। यहाँ डाल रहे हैं हम मीठा सोडा भिगोते वक्त मीठा सोडा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये देखिए इसको हो गए कम से कम 6-7 घंटे, और उसके बाद में इस पानी को हमको फेंकना है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, और दोबारा फ्रेश पानी से इसको दोबारा धोना भी है और उस पानी को भी फेंकना है। मतलब कि सोडा जो वाला पानी है वो उबलते वक्त नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मीठा सोडा उबालते तक नहीं डाला जाता है, हमेशा सोक्ड करते टाइम ही डाला जाता है। और यहाँ पे इसके कलर को थोड़ा सा ब्लैकिश सा करने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैंने यहाँ 4 चम्मच लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, और लाइट चाहिए थोड़ा कम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 से 5 सीटी मारी है, आप अपने हिसाब से और छोले की क्वालिटी के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे प्याज टमाटर लहसुन अदरक और थोड़ा मिर्ची अदरक अलग से रखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, छोले मसाले डाला है, यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी, और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया पाउडर, और ये रहा अनारदाना पाउडर। अनारदाना पाउडर ऑलरेडी छोले मसाले में होता है लेकिन फिर भी हम डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको अनारदाने का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए। अनारदाने से एक मीठा और हल्का सा खट्टा फ्लेवर आता है, और इस तरह इसका एक पेस्ट बना के हम रख देते हैं। पे हमारे छोले हो रहे हैं, यहाँ पे हम उसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसमें तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ी सी लौंग और थोड़ा सा एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, हल्का सा तड़के का। उसके बाद में हमने इसके अंदर प्याज और लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना रखा था कच्चा, वो यहाँ पर डाल दिया है यहाँ पर, और इसकी भुनाई चालू हो गई है। रेसिपी अगर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चाहिए तो चॉप प्याज बिल्कुल नहीं डलता है यहाँ पे, यहाँ कच्चे प्याज का पेस्ट ही डलता है। थोड़ी सी मेहनत होती है इसको भूनने में, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे लगता रहता है, सेटिंग से भूनता नहीं है, लेकिन धीमी आंच पे धीमे धीमे भूनते रहिए, आसानी से भुन जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल ब्राउन कलर तक भूनना है, थोड़ा भी कच्चा नहीं छोड़ना है। ये देखिए ये हो गया बिल्कुल डार्क ब्राउन, और उसके बाद में हमने यहाँ पे टमाटर का जो पेस्ट बना रखा था वो यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको भी हम अच्छी तरह पकने तक पकाएंगे। टमाटर के पेस्ट को धीमी आंच पे हम पकने देंगे, और बीच में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से पक जाए, और इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे तो इसकी खुशबू और अच्छी अंदर तक आएगी। बीच बीच में ढक्कन को उठा के इसको हिलाना भी है, अदरवाइज वो नीचे से लग भी सकता है। जो हमने मसाले का पेस्ट बना रखा था वो यहाँ पर हमने डाल दिया है, थोड़ा सा बीच में पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर लग रहा है तो। अब इसको धीमी आंच पे मसालों को पकाएंगे। अगर तेल की क्वांटिटी कम है तो मसाला तेल नहीं छोड़ता पकने के बाद में, लेकिन कैसा पता लगाएं? तो उसके लिए मसाले दानेदार हो जाता है इस तरह से। अगर दानेदार हो गया और बर्तन पे नहीं चिपक रहा तो इसका मतलब मसाला बन चुका है। तो हमने यहाँ पे वो छोले और उसका पानी डाला है जो कि हमने बॉयल किया था। बहुत ही अहम चीज़ है, छोले का पानी बिल्कुल नहीं फेंकना है, और थोड़ा सा इसको मैश करना है। इससे थोड़े से चने हमारे यहाँ पे मैश हो जाएंगे और एक लपटुआपन आ जाएगा उससे। अब यहाँ पे बाकी छोले भी हम डाल देंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आराम से करेंगे जिससे कि हमारे चने नहीं टूटें। ये हमारी गई भुनी हुई कसूरी मेथी, और थोड़ा सा नमक हमने स्वाद अनुसार और बढ़ा दिया है यहाँ पे। ये लीजिए बन गया छोला, लेकिन रुकिए एक जादू तो बाकी है अभी। यहाँ पे लो हीट पे हमने बटर को मेल्ट कर दिया है, उसमें अदरक की कतरने और मिर्ची 1-2 करके डाल दी है। टेम्परेचर बिल्कुल लो है, थोड़ा सा भी तेज हुआ तो बटर यहाँ पे जलने लग जाएगा। और यहाँ पे अब हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, और उसके बाद में तुरंत हमारी फ्लेम को बंद कर देंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पे हरा धनिया इन्फ्यूज़ करेंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत तेज आती है। और उसके बाद में इस मिक्सचर को हम डाल देंगे हमारे छोलों के अंदर, और ये देखिए हमारे छोले बन गए हैं बिल्कुल बाजार वाले, और खुशबू बरकरार।
थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे इसको, जिससे कि इसकी खुशबू इसके अंदर जमी रहे। लग रहे हैं ना बाजार वाले छोले भटूरे। छोले बनाते वक्त जो हम आमतौर पर गलतियाँ करते हैं वो ये करते हैं कि अच्छा टेस्ट के लिए हम छोले मसाले का पाउडर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं, लेकिन उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता, उससे बिटरनेस एक कड़वाहट उसके अंदर छोले के अंदर आ जाती है। छोले मसाले का पाउडर हिसाब से डालिए और थोड़ा सा अनारदाना पाउडर भी उसके अंदर डालिए, और जो छोले हैं उसको भी इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ये देखिए इतना सॉफ्ट। छोले थोड़े से भी खड़े रह जाएंगे तो भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए इनका इतना सॉफ्ट होना तो बनता है। तो पिंडी छोले का भी राज आपने आज हमसे निकलवाई लिया। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? भटूरे की रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ 2 दिन पहले, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में।